पूरी कोशिश के लेट हो जाता हूं मेरे ख्याल में ही इस कोताही के लिए इजाजत ही दे दी लास्ट टाइम लास्ट संडे हम बात कर रहे थे कि सवाल था कि हर इंसान के सर से नूर या जुलमत का एक डोरा निकलता है जिसका सिरा जन्नत या जहनुम जा मिलता है पहले मार्फत जब किसी इंसान को देखते हैं तो इस डोरे को देखकर जान जाते हैं कि मुस्तकबिल में ये नेकी की तरफ मायल होगा या की और इसका खात्मा ईमान होगा या ये इसमें यह बात दुरुस्त है हर इंसान के सिर से नूर या जुलमत का अंदाजा अहले नजर को हो जाता है लेकिन ये कहना दुरुस्त नहीं है कि इंसान के अंजाम का पता होता है कि ये जहन्नुम में जाएगा ये जन्नत में जाएगा ये कतई तौर पर किसी को भी अंदाजा नहीं होता मास पैगंबरों के जिनको अल्लाह इल्म अता कर देता है या ये बता देता है कि तुम्हारे साथियों में से कौन कौन सा जन्नती है क्योंकि अगर ये बात दुरुस्त हो कि इंसान के सर से डोरा मैं जानबूझ के लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहा क्योंकि उसका नाम डोरा है नहीं उसके डांडे जाके जन्नत या जहन्नुम से मिलते हैं और उससे अहले नजर ये जान लेते हैं कि कौन आदमी जन्नती है कौन जहनमी है तो फिर तौबा के दरवाजे जो इंसान पर हर वक्त खुले हैं उसके क्या मायने हैं रफताला की रहमतें जो बेपाया हैं, कि वो एक तबाइफ को कुत्ते को पानी पिलाने पर बख्श देता है और वो जन्नत में चली जाती है तो उसके क्या मायने होंगे फिर जो आदमी सारी उम्र गुनाहों में डूबा रहा लेकिन उसकी जिंदगी में कोई ऐसा वक्त आ गया कि उसे अल्लाह की राह में जहाद करना पड़ा और वो शहीद हो गया उसका क्या होगा ये बात दुरुस्त नहीं है होता यह है कि जैसे यहां कई एक मौकों पर मैंने अर्ज किया कि ह्यूमन बॉडी में एक स्टैटिक इलेक्ट्रिक करंट पाया जाता है जो आमतौर पर 3.5 पॉइंट वोल्ट से लेकर 5 वोल्ट तक उसकी इंटेंसिटी हो जाती है जब हम कोई जिक्र करते हैं कुरान पाक की तलावत बहुत कसरत के साथ हम करते हैं इबादत में मसरूफ रहते हैं तो हमारे ख्यालात पाकीजा होते हैं तो नेगेटिव फोर्स कम से कम हो जाती है इंसान के अंदर नफ्स कम से कम सर उठाता है रुकावट कहीं रहती नहीं तो दूसरी तरफ वो जो जिक्र कर रहा है उससे इंसानी जिस्म के अंदर जहन के मुख्तलिफ सेल्स में तब्दीली होती है बहुत से सेल्स जो आम इंसानों में ख्वाबिदा होते हैं उनसे काम नहीं लेते हैं लोग वो एक्टिवेट हो जाते हैं इंसान के जिस्म के अंदर जो स्टैटिक चार्ज है वो इंक्रीज करता है जैसे मैंने अर्ज किया कि टू थ्री पॉइंट फाइव वोल्ट है और वो अप टू फाइव वोल्ट चला जाता है उसके एक्टिवेट हो जाने से इंसान के सर के इर्द गिर्द नूर का एक हाला जिसको अंग्रेजी में और कहती वो कायम होता है मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग हो जाता है और वो सर के इर्द गिर्द मौजूद होता है जब कोई साहेब नजर किसी ऐसे शख्स पर नजर डालता है जो नेक है साहेब नजर है इल्म की राह पर है तो साहेब नजर को उस आदमी के सर के इर्द गिर्द एक हाला दिखाई देता अब वो हाला जो है वो दो रंगों में तीन बल्कि तीन रंगों में दिखाई दे जाएगा एक दूधिया होगा एक हल्का नीला होगा और एक सुर्ख होगा ये तीन रंगों का हाला इंसान के साहब नजर को इंसान के सर के दिखाई देता उसको चूंकि हमारे यहाँ इस राह पर चलने वाले लोग तालीम से दूर होते हैं जनरली तो उसको डोरा वो कह दिया क्योंकि होता तो रिंग है उसको डोरे का उन्होंने नाम दे दिया वो और है उर्दू में हाला कहते हैं अंग्रेजी में उसे और कहते हैं उस और से उस साहिब नजर को अंदाजा हो जाता है कि जो शख्स मेरे सामने चला आ रहा है ये इल्म की राह पर है अब ये जो रंग है ये दर हकीकत पैदा होते हैं कि कुछ लोग हैं जो इसके रसूल वाले वसल्लम में डूबे हुए होते हैं और उनकी तमाम तर तो जो सुन्नत और हदीस पर रहती है और उसको वो फॉलो करते हैं कि रब तक जा पहुंचे उनके यहां ये यह आमतौर पर दूधिया और मिलेगा कुछ लोग हैं जो अल्लाह के इश्क में डूबे होते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार किए बगैर तो कहीं भी नहीं जा सकता इंसान तो वो इश्के रसूल और इसके रब में मुब्तला हुए होते हैं उनके सर के इर्द गिर्द बिल्कुल हल्का लाइट ब्लू लेकिन इंतहाई चमकदार वो और दिखाई देगा कुछ लोगों का आपने सुना होगा कि फला अल्लाह बड़ा जलाली है जैसे जलाल में सबसे ज्यादा जनाब सरकार से दिलाउदी वहां सुर्ख और मिलेगा तो ये और लेकिन ये पैदा उस वक्त होता है जब इंसान बहुत अगली मंजिलों पर चला जाए ये इतनी आसानी से हासिल नहीं होता ऐसे इन, इंसान की बॉडी से वाइब्रेशंस बहुत निकलती हैं और जो शख्स भी उनके दायरे असर में आ जाए वो नवाजा जाता है इसीलिए आमतौर पर आपने किताबों में पढ़ा होगा कि फकीर लोग सीने से लगाते हैं जिसको इल्म देना होता है उसकी वजह ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके जरिए से वो मुंतकिल करते हैं तो इस सवाल का इतना हिस्सा बिल्कुल दुरुस्त है लेकिन उस जो रमत के लिए वो हाला है या अंग्रेजी में और है वो तो चूंकि उसको थिकनेस से ज्यादा नहीं होती तो उसका डायमीटर कम होता है तो वो डोरा उसको कह दिया गया लेकिन है ये बात दुरुस्त लेकिन वो इसकी अलामत नहीं है यही इसी महफिल में शायद मैंने किस्सा एक वलिल्ला का सुनाया था जो बहुत बुलंद पाया वल्ला थे शगिर्दों की ट्रेनिंग करते थे उन्हें इल्म देते थे तो एक बार वो अपने शागिदों को लेके एक जंगल में चले गए उस जंगल में जाके उन्होंने कयाम किया तो वहां कहीं जंगल के करीब ही एक कबीला बसता था जंगलियों का उस कबीले के लोग इनको देखने के लिए आने लगे उस कबीले के सरदार की साहबजादी बेटी थी एक वल्ला उस बच्ची के इश्क में मुब्तला हो गए और उस इश्क में इतना जोर मारा कि अपने दिल के हाथों मजबूर हो गए ये उस कबीले के सरदार के पास चले गए और जाके उसे कहा कि मैं आपकी साहबजादी से निकाह करना चाहता हूँ बदकिस्मती ये हुई कि वो ईसाई कबीला था सरदार ने कहा कि ठीक है मुझे एतराज नहीं है मैं अपनी बेटी की शादी आपसे कर दूंगा लेकिन उसकी शराय है पहली शर्त तो यह है कि आप ईसाई हो जाइए दूसरी शर्त यह है कि आप मेरे सुअर चढ़ा ये कुछ इस तरह से नफ्स ने इनके आंखों पर पट्टी बांधी थी कि बावजूद बुलंद पाया होने के ये दोनों शराय मान गए शादी हो गई ये उस कबीले में रहने लगे इनकी शागिर्दों ने जब देखा तो इनके पास आके इन्हें समझाते थे, थे कि क्या कर दिया हजरत आपने ये क्या हो गया तो ये किसी की सुन नहीं रहे थे शागिर्द मायूस होकर चले गए वापस अपने ठिकाने पे जहां डेरा था तो इनके जो खलीफा थे उनसे जाके जिक्र किया कि ये मुर्शद साहब तो बेचारे राह से हट गए वो खलीफा भी आखिर इनी के थे जो इतने बड़े साहिब इल्म थे उन्होंने कहा कि कुछ नहीं खामोश हो जाओ कोई उन्हें नहीं समझाए और कोई उनसे बात ना करे इस मौजू पर तो खुद एक बहुत ही खूबसूरत लिबास अपने मुर्शिद का सिलवाया उन्होंने और वो लिबास लेके वहां जंगल में गए उस कबीले में और जाके अपने मुर्शद से मिले और बड़े अदब से एहतराम से बात की और कहा कि हजरत मुझे खबर मिली थी कि आपने शादी कर ली मुझे बहुत खुशी हुई तो मैं आपको शादी की मुबारकबाद देने आया हूं और आपकी शादी की खुशी में मैं ये लिबास आपके लिए लाया तो मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मेरी मौजूदगी में ये लिबास पहन लें उनके मुर्शिद तो कोई ये किए हुए थे कि उनके खलीफा भी लोग उनकी तरह लानदान करेंगे समझाएंगे उन्हें कंडेम करेंगे, करेंगे कि ये क्या किया तो उन्हें बड़ी खुशगवार हैरत हुई जब खलीफा ने इस तरह से बात की तो वो लिबास कबूल कर लिया और अपने खलीफा की खुशी पूरी करने के लिए वही पहना जो ही लिबास पहना तो चूंकि खलीफा एक मकाम पर गए हुए थे थे इनके खलीफा इनके शागिर्द लेकिन बहरल एक मकाम पर आए हुए थे तो जो है वो लिबास पहना तो आंखों पर से नफ्स की पट्टी हट गई और पूछा कि मैं यहां कैसे आया तो खलीफा साहब ने बजाय शर्मिंदा करने के आया तो कुछ नहीं हजरत आप थक गए थे दर्श देते देते तो आप टहलते हुए इधर को आ गए थे मैं आपके पीछे पीछे था तो वापस चलते हैं अल्लाह तो वापस गए इंसान ने फिर अपने डेरे पर पहुंच के मैंने कहा कि हजूर आप इस्लाम दोबारा कबूल कर लीजिए क्योंकि आपसे ही कोताही हो गई थी तो यूं वो हजरत फिर लौट आए वापस अपने तो ये और मजबूत होता है जब इंसान जिक्र रब में और तस्वर रब में डूबा रहता है हर वक्त रब का उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसका ध्यान उधर कोई लगा रहता है अल्लाह ताला की तरफ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जिक्र इलाही करता है और नेकी की राह पकड़े हुए होता है तो उसके नतीजे में जब एक खास मकाम पर आता है तो ये और जितना बुलंद होता जाएगा मकाम ये और उतना ही रोशन होता चला जाता है तो साहिब नजर जब ऐसे आदमी को देखते हैं तो दूर से पहचान जाते हैं कि ये साहेब जिक्र आ रहा है अगर किसी वजह से इंसान इस राह से हट जाए तो ये और कमजोर हो जाएगा मध्यम पढ़ने लगेगा ये उसका हवाला दिया हुआ है लेकिन ये याद रखिए कि उसका जन, जन्नत जहनम से कोई ताल्लुक नहीं है आपका अगला सवाल ये है क्या वजह है कि किसी बुजुर्ग के सामने अपनी हाजत की तकमील के लिए इशरार किया जाए तो बात वो हाजत पूरी नहीं होती इस सवाल में एक लफ्ज को मैं तब्दील अगर कर दूं। कि बात नहीं हमेशा पूरी नहीं होती बात यह है कि मैं अगर किसी नेक इंसान के पास जाता हूं और जाकर मैं उससे ये कहता हूं कि साहब मुझे फला पिक्चर देखनी मेरे पास पैसे नहीं आप दुआ कीजिए मेरे पास पैसे आ जाए और वो आदमी जिसके पास मैं गया हूं वो यकीन साहब नजर ही हुआ तभी तो रब शोहरत देता अपने मखलूक में उसे मकबूल कर देता है वही देखता है कि ये फिल्म देखना मेरे हक हाँ में बेहतर नहीं है फॉर सम रीजन तो वो मुझे टाल देंगे ये कह के अच्छा ठीक है कर दूंगा दो आ जाओ या अगर उन्होंने देखा कि इसकी वैसे मेरे बारे में तुझे तो गुमान किसी को भी नहीं होगा कि इस बंदे की जो मुझसे फिल्म के पैसों की दुआ करा रहा है इसकी राह तो नेगी की है तो ये इधर को किधर को जाने लगा तो वो टाल देंगे मुझे उनकी कोशिश ये होगी कि इस अंदाज में कि मैं बार बार उनसे दुआ कराने जाऊं तो वो मुझ पर अंदाज हो जाए और वो मुझे नेकी की तरफ ले जाए और दो अभी तक ऐसा हादसा मेरे साथ पेश नहीं आया कि मैं नेकी की तरफ चला जाऊं लेकिन वो खेचेंगे मुझे नेकी की तरफ फिर एक बात इसके अंदर एक बहुत बात है कि जो साहेब नजर हैं उनके साथ भी ये होता है कि किसी चीज की ख्वाहिश अगर बहुत हो गई उनके दिल में और वो बार बार रब से दुआ करते हैं कि अल्लाह तुम मुझे ये दे दे ये दे दे ये दे दे वो कभी दुआ होती ही नहीं पूरी पर आप में से हर शख्स अपनी जिंदगी पे नजर दौड़ाए कि जिस ख्वाहिश के पूरी होने की आपने सबसे ज्यादा दुआ की वो ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हुई अपनी अपनी जिंदगी पे नजर दौड़ा लीजिए आपको बड़ा सही असूल दिखाई देगा ऐसी ख्वाहिशात जिनको आपने ख्वाह दिल में पैदा हुई उसके बाद भुला दिया आपने थोड़े अरसे में पूरी हो जाती है उसके पीछे एक फैक्टर काम कर रहा है रब ताला इतना मेहरबान है कि बिन मांगे देता है मांगने से खुश होता है लेकिन मांगने के लिए सिर्फ दुनियावी चीजें ही तो नहीं मांगने के लिए और बहुत कुछ है जब हम उस दुनियावी ख्वाहिश में इतने डूब जाते हैं कि जब भी अल्लाह के सामने हमने हाथ फैलाए वही एक दुनिया की ख्वाहिश की तो रब तो दुनिया से दुनिया की मोहब्बत से दूर ले जाना चाहता है हमें कुरान उतरा ही इसीलिए आप पूरे कुरान को पढ़िए उसकी तफसीर को पढ़िए उसके बाद उस तफसीर को मुख्तर करते चाहिए कंसाइज एंड पर एक जुमला निकल आएगा ये दुनिया बेकार है आखिरत ही सब कुछ है एक जुमला निकलता है वो और बात है इस दुनिया इसलिए आखरत से कहीं ज्यादा अहम है।, है कि आखरत का दारो मजार यहां इस दुनिया के एमाल पर है इसलिए यह बहुत अहम है तो रब हमें दुनिया से दूर रखना चाहता है तो वो नहीं चाहता कि हम नफ्स के गुलाम हो जाए और रा खोटी हो जाए हमारी एक रीजन ये है दूसरा रीजन मेरा गुमान है इसके ऊपर मैं यकीन से नहीं कह सकता लेकिन मैं मेरा ख्याल ये है तजर्बात की बात रब ताला अपने वादे का बड़ा सच्चा है उसका वादा यह है कि मुझसे मांगो मैं दूंगा जब हम उससे मांगते हैं और फिर उसको बार बार हम रिमाइंडर भेजना शुरू कर देते हैं तो शायद फिर वहां यह बात होती है कि क्या मुझ पर यकीन नहीं कि तुमने एक बार मांगा मैं दे दूंगा तुम्हें ये यकीन कि मेरे रब मौजूद है वो मुझसे कहीं बेहतर जानता है कि मेरी जरूरियात क्या है मेरी ख्वाहिशात क्या है उसने तो मुझे पालने का वादा भी किया है और दावा भी किया है कोई मेरा पालने वाला है ये दोनों ही बातें हैं दावा भी है और वादा भी है तो क्या मुझे अपने रब के वादे पर एक बार नहीं वो तो सारी मेरी जरूरियात पूरी करता है तो ये मेरे दिल में ख्याल क्यों आए कि ये खाश मेरी पूरी नहीं करेगा मेरा जरूर पूरी करता है इसमें कोई शक नहीं तो इसी तरह फकीर के पास जब हम जाते हैं तो फकीर तो आपको ले जाएगा रब की राह पर इसलिए कि उसकी अपनी राह की है उसको वो हदीस याद रहती है कि दूसरे के लिए भी वही पसंद करो जो खुद अपने लिए पसंद करते हो तो उसको तो अपने लिए पसंद है रब की राह तो आपको नफ्स की राह पर कैसे चलने देगा वो तो वो आपको रब की तरफ धकेलेगा इसलिए वहां जब हम अपनी दुनियावी ख्वाहिशात लेके जाते हैं और बार बार जाते हैं तो एक कुर्बत का ताल्लुक पैदा होता है ताल्लुक पैदा होने लगता है जहां वो ताल्लुक पैदा हुआ समझिए आप घाटे में गए इसलिए कि फिर आपको दुनिया की तरफ जाने नहीं देगा वो आपको रब की तरफ अकेलेगा पकड़ के ये वजह है कि जब हम किसी फकीर के पास बार बार एक ही दुआ लेके जाते हैं तो दुआ पूरी नहीं होती वो आपको धकेल देता है रब की तरफ एक ताल्लुक बना है पहली बार जो उसके पास आया जो दुआ करने का उसने कहा उसने दुआ कर दी और जान छोड़ा ली अपनी की जाओ दोबारा ना आना इधर तो वहां तो वो पूरी हो जाएगी लेकिन बार बार आने से जो ताल्लुक बना फिर नहीं पूरी तो आप मेरे वाला नुस्खा का इस्तेमाल के लिए किसी के यहां जाना ही नहीं है अपने नफ्स के पीछे ही भागना है हमेशा ये एक और सवाल है कि क्या कोई अल्लाह जब गौ से जमाना की मजलिस में हाजिर होता है तो उस वक्त वो अपने घर या शहर में भी मौजूद होता है ये ऐसा ही है कि जब वो ड्यूटी पर होता है तो रूहानी तौर पर वहां जाता है जिस मुस्का अपने ही घर में या शहर में मौजूद होता है ये बिल्कुल ऐसा है कि बहुत से बुजुर्गों के बारे में लोग आज भी ये आपको गवाही दे देंगे कि हमने उन्हें उमरा करते हुए देखा या हमने उनके साथ उमरा किया है जबकि वो बैठे होंगे लाहौर में पिंडी में इस्लामाबाद में लोग आपसे कह देंगे कि वो हमने हज उनके साथ किया जबकि वो गए ही नहीं होते हज पे तो ये इन लोगों के लिए मुमकिन है ये अगला सवाल इनका है कि क्या कोई बुजुर्ग ऐसे शख्स को भी रूहानी ड्यूटी सौंप सकता है जो उनका मुरीद ना हो ड्यूटीज़ कराबदारी और ताल्लुकदारी पर नहीं सौंपी जाती इस राह में यहां ना फेवरेटिज्म है ना नेपोटिज्म होता है यहां तो बाद अपने दुश्मन को ड्यूटी सौंप दी जाती है बशर्ते कि वो इसका अहल हो उसमें राबतदारी का को कोई सवाल नहीं है अगला इनका सवाल है कि से जमाना की महफिल में क्या मजुबीन भी शामिल होते हैं यकीनी तौर पे होते हैं बशर्ते कि वो साहेब ड्यूटी हों जिस तरह ये जरूरी नहीं है कि हर बल अल्लाह साहिब ड्यूटी हो इसी तरह हर मजूब साहेब ड्यूटी नहीं होता मैं एक बार टूर पर था एनडब्ल्यू एफ पी के तो मेरे मुर्शद ये मर्सिडीज का मेरा शौक बहुत पुराना है 1982 से मर्सिडीज ही रही मेरे पास तो उस जमाने में जो मेरे पास मर्सिडीज थी वो शाह साहब को पसंद आ गई तो मुझसे फरमाने लगे कि मैं ये गाड़ी तो आज से हमारी हो गई तो ये गाड़ी क्या चीज है जान भी ले लीजिए इसमें क्या हिचावी पकड़ी है। और मैंने लगे नहीं चाबी अपने पास रखो मैं तो शोफर ड्राइवर गाड़ी का आती हूँ तो सुबह से ड्राइवर भी आ जाएगा आपके पास बोले नहीं वो मैं अनपढ़ ड्राइवर नहीं रखता मैं फॉरन क्वालिफाइड ड्राइवर रखता हूं तो मैं एकदम से समझ गया क्या कहा उन्होंने तो मैंने कहा जनाब अभी से इसी लम्हे से आपको फॉरन क्वालिफाइड ड्राइवर मिल गया तो उसके बाद से जब कभी मैं बाई रोड टूर पर जा रहा होता तो तेजी बकते थे मेरे साथ तो पिशावर में गया कहने लगे चलो मैं चलता हूं मैं वहां से हम मर्दान एक काम के लिए आ गए मर्दान मैं गलमन गाड़ी पार्क कर रहा था मैं सरफराजगंज के नाम से वहां एक जगह थी वहां तो मुझे कहने लगे देखो अभी यहां एक जो यहाँ का हाकिम है वो मुझे सलाम करने आएगा तो अब मैं बड़ा मुझे शौक हुआ कि मैं ड्यूटी तो देखूं कौन है? तो हम जहां बैठे थे वहीं से उन्होंने इशारा किया कि वो आया है तो सड़क के पार फुटपाथ पर दूसरी तरफ एक जवान सा मजदूक था वो आया जहां हम बैठे थे उसके बिल्कुल बिल मुकाबिल एक लम्हे को रुका इधर देखा और चला गया तो वो पता चला कि वो ड्यूटी पर था लेकिन मजबूत था तो अगर मजबूत ड्यूटी पर है तो फिर तो वो जरूर इस फैफले में बैठेगा और अगर साहिब ड्यूटी नहीं है तो नहीं बैठेगा ये बात मैं आपको सिर्फ इम्प्रेस करने के लिए कह रहा हूं इसका सही जवाब वो देगा जो कभी गौसे जमाना कि महफिल के करीब से गुजरा हो मैं तो भाई मुझसे तो गुनाहों की बातें कर लीजिए वो मैं बता सकता हूं यकीन के साथ कि मेरी राय वो है तो ये मतलब से आपको टालने को बता दिया ये ये अगला सवाल इनका तकरीबन उससे मिलता जुलता है उसका आधा हिस्सा कि क्या मजहूब वली अल्लाह को भी शरूफात तो हासिल होते हैं और वो अहले ड्यूटी होते हैं ड्यूटी का तो मैंने अर्ज कर दिया आपने कादर नामा का भी हाकिम वो बिल्कुल यंग लड़का था लेकिन उससे उस वक्त मुझे समझ नहीं थी 1969 की गर्मियां थी या 68 की गर्मियां तो मैं उस गैस मुल्तान में हुआ करता था तो एक काम पड़ गया था तो ड्यूटी ऑफिसर थे वो जा रहे थे हम भी बैठ गए उनके साथ जीप में तो कादरपुरनामा में रुक के हम उस मजिस्ट्रेट का पता कर रहे थे जो वहां ड्यूटी पर था तो एक लड़का आया 14 15 साल का या 16 साल का होगा वो मिला उससे वो अगली बात में नहीं बताता क्या हुआ सो तो छोड़ दीजिए खुद तो तो जब कुछ अकल आई बहुत सालों के बाद तो पता चला कि वो तो वहां का हाकिम था काजीपुर रामा का जो मिला मुझे आके तो ये ये दूसरा मजसूब था जो ड्यूटी पर मैंने देखा वो ड्यूटी पर तो होते हैं और मजूब के तसरुफा का क्या कहना है मजसूब तो अपने होश और हवास खो बैठा है इसके इलाही में वो तो डूबा हुआ है इशके इलाही में तो वो तो खुद मुजस्मे तसरुफात है तसरुफा के हासिल होने की बात क्या है वो जो जुबान से निकाल देगा वो अमर हो गया इसीलिए मना किया जाता है कि मज़ज़ूब के, के करीब बच जाओ उससे दूर रहो तो क्योंकि वो तो मजहूब है होशा हवास से आ रही है क्या मालूम कब क्या कह दे तो जो साहेब सलूक लोग हैं साहेब इल्म लोग हैं वो मना करते हैं कि मजजूब से दूर रहे और जो कोई साहेब इल्म है या इस राह पर चल रहा है अभी मकाम को कहीं नहीं पहुंचा उसको भी मना कर देते हैं कि अगर कभी मजदूब तुम्हें रोक के ये कहे मेरे लिए दुआ कर दो तो कभी दुआ ना करना मजसूब के लिए उससे जान छुड़ाने का आसान तरी तरीका ही है के उससे कहिए कि मैं क्यों दुआ करूं तुम करो मेरे लिए मज़ाले कभी दुआ कर दे आपके लिए ये उससे जान छुड़ाने का आसान तरीका ये जिन साहब ने भी सवाल लिखा बड़े समझदार आदमी है अगला सवाल इनका को फाजर किसे कहते हैं भाई इसकी तारीफ क्या बयान करूं आपके सामने बैठा हूं जो बोल रहा हूँ को फाजर ही तो हूं और क्या हूं मफ़ूम हदीस का है कि इंसान का दिल अल्लाह ताला की दो उंगलियों के दरमियान मौजूद है अल्लाह ताला उसे जिस तरफ चाहे फेर सकता है बात यह है कि इसको आसान लफ्जों में हम कह दें कि अल्लाह जिसको चाहता है नेकी की कि तौफीक अदा कर देता है ये उससे मुराद असल में ये है वो क्योंकि अरबी जुबान बड़ी फसीो बलीग जुबान है इसमें एक ही बात को कहने के दर्जनों तरीके होते हैं और अरब की फसाहत और बलागत तो आज भी मशहूर है ये इससे मुराद ये है कि रब जब चाहे जिसका कल्प चाहे जिस तरफ को चाहे मोड़ दे तो यह है इस सवाल के जवाब शायद मैं न दूं आपको सवाल पढ़ देता हूं या आप बहुत क्लेवरली मुझसे कुछ कहलवाना चाह रहे हैं तो मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा आपको कि कदीम से क्या मुराद है अगर रूहानी दुनिया में किसी अल्लाह को कदीम कहा जाए तो इसका क्या मतलब है ये मैं आपसे अर्ज नहीं करूंगा अगला सवाल ये है कि सुना है कि जब साहिबान फतेह साहिबान कश किसी कुरानी आयत पर गौर करते हैं तो सबसे पहले वो ये देखते हैं कि जब ये आयत नाजल हुई थी तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कल भी कैफियत क्या थी और आज के दौर का वली अल्लाह साहिब फतह आज से चौदह सौ साल पहले के कि किसी लम्हे में आप सल्लाम की बातनी और रूहानी कैफियत का कैसे अंदाजा कर लेता है आप सल्लाह की बातनी कैफियत तक रसाई क्यों कर मुमकिन है ये फिर अल्फाज के हेर फेर में आप फंस गए उसकी रूह को नहीं देखा आपने इस चीज से एक बात तो मैं अर्ज कर दूं कि आप सल्लाह वसलम की ली कैफियत पर नजर डालना किसी के लिए मुमकिन नहीं है उसकी वजह यह है कि वहां सिर्फ नूर का समुद्र बह रहा है आप सल्हस की कलवी कैफियत पर नजर कोई वल डाल डालने की सख्त नहीं रखता है तो उसका सहार नहीं है वो इल्म, नूर का ऐसा समुन्दर है वो कि जिस पर नजर डालने के बाद कोई शा हवास में रह नहीं पाएगा तो आप वसल्लम की कल भी बातनी कैफियत पर तो नजर नहीं डालता लेकिन वो देखता जरूर है कि एनवायरमेंट क्या था किन हालात में ये आयत नाजिल नाजिल की गई है उन हालात के कॉन्टेक्स्ट में उसको आयत को पढ़ के फिर उसकी तफसीर बयान करेगा इसीलिए किसी भी फकीर की बयान करदा तफस आमतौर पर आपके लिए किसी भी इंसान के लिए सोच के नए रास्ते खोल देती है वो उस बैकग्राउंड में उसको बयान कर रहा होता है उस एनवायरनमेंट उस में जब वो उतरी है एक एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं बड़ी सादा सिंपल सामने की इसलिए यह एग्जाम्पल कोट कर रहा हूं कि ये इससे हम सब वाकिफ हैं सूर्य कौसर कुरान पाक की सबसे मुख्तर तरीन सुरह इसकी जब तफसीर बयान की जाएगी तो अल्फाज पर फकीर जब बयान करेगा तफसीर इसकी वो उसके अल्फाज के मायने और उसकी तफसीर बयान नहीं कर रहा होगा बल्कि उसके मायने और उसके असरात को जब वो बयान करेगा तो वो आपको पहले ये बैकग्राउंड बताएगा कि ये सूरा नाजल इसकी वजह नजूल क्या थी तो उसकी वो तफसीर बयान करेगा और तफसीर बयान करता करता आपको ये बताएगा कि अगर इसका कोई व्यत करे तो इसके असरा क्या मरतब हो जाएंगे इंसान पर इसलिए जब आप औली के पास जाते हैं और उनको आप ये कहें कि मैं डिप्रेशन का मरीज हूं और डिप्रेशन की बहुत गोलियां खाता हूं तो आपसे वो कह देगा कि सूर्य कौसर पड़ा सिर्फ ये है कि उससे पहले वो आपके हालात को देख लेगा कि आपके डिप्रेशन का रीजन क्या बना है तो आपको वो यही कह देगा कि इसको सुबह शाम एक सौ एक मरतबा पढ़ो और अलहमद लाइनटी फाइव परसेंट केसेस में डिप्रेशन खत्म हो जाता है इंसान का तो फकीर की तफसीर बयान करने का मतलब अंदाज कुछ और होता है उसका मैं कुछ और होता है उसका तफसीर बयान करने का मकाम कुछ और होता है इसलिए जब आप किसी फकीर की जुबान से कुरान पाक की तफसीर सुनते हैं, तो बहुत सी नई बातें आपके इल्म में आने लगती हैं कि वो तमाम बैकग्राउंड पर नजर डाल के फिर उसके तफसीर को बयान करता है बकाया इनके सवालों के जवाब ताला अगली इतवार बशर्त जिंदगी नहीं सब तक के लिए इजाजत दीजिए अस्सलाम वालेकुम